कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली लहर से काफी खतरनाक है। जहां ये तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है, वहीं संक्रमित लोगों की तबीयत तेजी से खराब हो रही है। प्रशासनिक अमला इसको लेकर सतर्क है, लोगों से सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। लोग सतर्क रहें, सजग रहें, इसके लिए प्रशासन सख्ती भी बरत रहा है। बावजूद इसके जहानाबाद की ये तस्वीर देखिए और आकलन कीजिए कि क्या वाकई इस खतरनाक संक्रामक कोरोना बीमारी से लोग डरे हुए हैं। जहानाबाद में संक्रमितों का आंकड़ा 1000 से पार कर चुका है। कई संक्रमित मरीजों की मौत की जानकारी भी आप तक पहुंची होगी। बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या यहां पालन होता नजर आ रहा है, ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि करीब 99% लोग बाहर जब निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाते हैं, लेकिन उनके मास्क लगाने का तरीका ज़रा देखिए। दोनों कानों से नीचे गले में लटकता मास्क क्या उन्हें संक्रमण से सुरक्षित रख पाएगा? मास्क इसलिए लगाया जाता है ताकि लोगों के मुंह और नाक को ढका रखे, लेकिन अधिकांश लोग मास्क को बस नियम के तहत लगाए हुए हैं। लेकिन संक्रामक कोरोना बीमारी इस तरह से आप तक पहुंच जाएगा, आपकी थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। और ये लापरवाही सिर्फ आपको भारी नहीं पड़ेगी, आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि बाजार के इस धक्कम धुक्की में कौन संक्रमित आप तक कोरोना वायरस पहुंचा जाएगा। आपको इस बात की भनक तक नहीं लगेगी कि इस बाजार में कौन संक्रमित है और कौन सुरक्षित। अगर आप लापरवाही बरतते हैं, ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं, तो आप संक्रमण की चपेट में आ जाएंगे, इस बात की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहिए, सजग रहिए और पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में रहिए। बाहर तभी निकलिए जब बेहद जरूरी हो। जहानाबाद की ये तस्वीरें मौजूदा हालात में डरा रही है और कुछ लोगों की लापरवाही सब पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में अगर आप बिना मास्क के किसी को देखें तो जरूर टोकें कि वो मास्क लगा ले। अगर मास्क सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए लगाई गई है तब भी टोकें कि मास्क अच्छे से लगा लें। इससे न सिर्फ वो सुरक्षित रहेंगे बल्कि उनके सामने आने वाले सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मास्क लगाने से वायरस फैलने का खतरा, आपको संक्रमण लगने का खतरा बेहद कम हो जाता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। ऐसे भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, प्रशासनिक दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करें। जहानाबाद न्यूज़ के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट।